सो दोस्तों देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट रास्ता है। ओफ भाई साहब मैं गिर गया था, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कितना डिफिकल्ट रास्ता था। मैं यहाँ पर गिरने ही वाला था दोस्तों, तो काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता होते हैं। ये सुंदर सा दृश्य दोस्तों देख सकते हैं, वाह क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, एकदम से सुंदर दृश्य। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र रावत, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुरेंद्र पाड़ी ब्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग सब सही होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं घर के लिए, यानी कि आज करेंगे हम गंगे स्टे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 7:15, यानी कि 7:15। तो अभी थोड़ा सा हमने अभी पूजा की, पीछे का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे पूजा वगैरह की, हमारा पूजा का सेटअप देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये है हमारा चार्जिंग बल्ब जो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर रही हमारी रात, और आज काफ़ी एक सैड सा एक इमोशनल सा मोमेंट भी है कि अजीब सा लग रहा है कि यार हम घर जा रहे हैं, और एक खुशी भी एक्साइटमेंट भी है कि हम घर जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं ही शुरुआत करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा बैग, ये है राहुल का बैग, और ये है नीरज का बैग। नीरज भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई। मतलब कि नीरज जाना लग रहा है? हाँ। खुद नहीं लग रही है कि? नहीं लग रही है। अच्छा यहाँ की तो ताड़ी उड़ा रही, खुद यहाँ की तो 3 दिन गुजारे यहाँ, तो खुद कैसी नहीं लगेगी, खुद कैसी लगेगी, सही बात है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों हमारे। अभी तो बारिश लग रही थी, और जैसे हम घर के लिए निकले हैं तरियुडार से, वैसे दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे लग चुकी है एक सुनहरी सी धूप, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हिरन ही है दोस्तों, ये देख सकते हैं परसों तो ज्यादा थे लेकिन आज कम है। से दिखाने की कोशिश दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देख सकते हैं दोस्तों रास्ता यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं कोरा लग रखा है, और नीचे नीचे खाई हैं दोस्तों यहाँ पे, इसी साइड थी वो हिरन टाइप की, नीचे देख सकते हैं काफी सुंदर रास्ता है दोस्तों, काफ़ी मतलब कि, और ऊपर से देख सकते हैं दोस्तों ऊपर से जो नदी आ रही है वही भिलंगना नदी है दोस्तों, वही भिलंगना नदी का उद्गमन है, वहीं से मूल स्थान हुई है भिलंगना नदी का, और उस साइड से देख सकते हैं उस पर उसमें कितनी अच्छी धूप आ रही है दोस्तों, और सहस्त्रताल है उस उधर जिधर की लग रखा है कोहरा, वो है तरियुडार, पीछे राहुल फोटोग्राफी भी करें। देख सकते हैं दोस्तों रास्ता नीचे के लिए ढलान लग चुकी है अब, पर दोस्तों फिसलने की काफ़ी डर है, क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, अभी नीचे फिसल गया था पर यार पता नहीं वीडियो नहीं बन पाई पर दोस्तों वीडियो कभी नहीं बनती, पर दोस्तों हमें से किसी भी खो सकते हैं नीचे दोस्तों, भगवान से ये दुआ है। अभी हम थोड़ा यहाँ पे रुके हैं,
क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जटामासी की खुशबू मैंने महसूस की। तो देख सकते हैं ये है जटामासी, यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जड़ को निकालेंगे और फिर ये धूप में काम आती है दोस्तों, ये जटामासी दोस्तों। दोस्तों ऐसे होती है जटामासी, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो वाह क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों देख सकते हैं एक और बिकट रास्ता देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों क्या ही डिफिकल्ट रास्ता है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हर एक कदम संभल के रखना होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है और ऊपर देखो ये चढ़ाई चढ़ी हमने, ये चढ़ाई चढ़ी, ये चढ़ाई चढ़ी ऊपर ऊपर तक ये चढ़ाई दोस्तों। तो अभी नीचे आने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं और ऊपर ज़्यादा समय तो क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं रास्ता, इसे रास्ता नहीं बोलते हैं ट्रैक है दोस्तों, ट्रैक इसे बाटा बोलते हैं, बाटा दोस्तों। देख सकते हैं रास्ता, देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी टफ होता हुआ नीचे नीचे जाने के लिए भी, पाँव में इतना दर्द हो रहा ना खासकर घुटनों पे, चाहे तो दोस्तों चल ही जाते हैं पर नीचे समय ना क्या ही बोले दोस्तों आपको। ये देख सकते हैं ऐसा रास्ता दोस्तों, फूलों के बीच से गुजरना, एक तो फूलों की स्मेल भी बहुत परेशान करती है, कोई चीज़ की लिमिट होती है दोस्तों, जैसे कि परफ्यूम है उसको भी अगर आप सूंघ रहे हैं तो एक हद होती है दोस्तों यार। और यहाँ पे इतने ज़्यादा फूल हैं चारों ओर कि इतनी खुशबू आ रही है कि पूरा सरदर्द हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी मुझे एक फ्लावर मिला, काफ़ी यूनिक है दोस्तों, देख सकते हैं वाह क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, एकदम से मस्त फ्लावर है दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे ये है लवसिया गला, यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई यहाँ नीचे गिर गया दोस्तों तो समझो कि खैर नहीं उसकी, समझो कि गया वो, टाटा बाय बाय। क्या बोला तूने? फिर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी विकट रास्ता है, यहाँ देख सकते हैं, और ये जो नदी जा रही है वो भिलाने जा रही है, सामने से है गंगी गाँव जो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। दोस्तों देख सकते हैं ये है जटामासी, जिसका कि जड़ काम आती है केवल धूप के लिए, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि क्या ही बोलूं दोस्तों, इतने हमने निकाल दी है तो काफ़ी है, और एक बैग तो और भरा हुआ है, ये भरा हुआ है तो चलो चलते हैं इसको पैक करते हैं लास्ट। एक और जड़ी बूटी होती है जिसका नाम बोलते हैं लेसर, तो उसकी ढूंढ में निकल पड़े हैं, जस्ट मैं जा रहा हूँ पत्थर के ऊपर, तो वहाँ देखता हूँ अगर वहाँ मिल पाए तो देखते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं। भाई साहब एक और परेशानी, नीचे से आते हुए कुत्ते, भाई साहब इनसे बचना मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, भगवान मदद करो। डब्लू बेटा बेटा चल कर गुजरते हुए हम दोस्तों, इतने बड़े बड़े फूल के पौधे हैं ये, क्या ही बोले, यहाँ देख सकते हैं क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। फाइनली दोस्तों हम उस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे परसों हमने दीपक वगैरह लगाया था, ताकि जो धूपबत्ती वगैरह थी वो लगाई थी, और अब फटाफट निकलते हैं दोस्तों क्योंकि मौसम कब बदल जाए मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके अपने पाँव की रफ्तार को तेज़ करते हैं और चलते हैं कल्याणी तक, अगर वहाँ से चाय का कोई व्यवस्था होती है तो
चाय पानी पीएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें बकरी वाले मिले, यहाँ पे देख सकते हैं इनकी बकरियाँ, वाह नई लोकेशन। और यहाँ पे इनका टेंट वगैरह भी लगा रखा है, देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इनकी छाई लगा रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका हुक्का, वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कोई यहाँ पे आराम कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये इनकी लकड़ी की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था देख सकते हैं दोस्तों, उनके बिस्तर बुस्तर। और दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कठिन रास्ता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता। तो दोस्तों मतलब कि फिसलन हो रखी है, और यहाँ देखो दोस्तों इतने नीचे जाना है दोस्तों, यहाँ देखो नीचे काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, यहाँ देखो, फिर यहाँ बैठो नीचे, फिर ये देखो दोस्तों अभी तक यार हम कल्याणी नहीं पहुंचे दोस्तों। यहाँ पे ये रास्ता दे सकते हैं, अगर गिर गए पांव फिसल गया तो सीधा नीचे कल्याणी ऑटोमेटिक पहुंचेंगे दोस्तों, विदाउट टिकट। और सो फाइनली दोस्तों हम कल्याणी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रास्ते बदल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है भगवान जी का एक छोटा सा मंदिर टाइप का, देखते हैं ये जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है खतरी के लिए, और जो ये रास्ता जा रहा है वो रास्ता जा रहा है सीधा कल्याणी गंगी के लिए, और ये जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है सहस्त्रताल भीमताल के लिए जहाँ हम गए थे। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ देख सकते हैं नेर थुनेर। और सो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कल्याणी में, कल्याणी की इन छानी को देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर है, यहाँ देखो कितना सुंदर और साफ सुथरा एकदम रखा हुआ है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अभी कल्याणी में, और यहाँ पे हमें मिली हमारी दादी जी, ये बना रही हमारे लिए अभी चाय, तो हम काफ़ी खुश हैं। और ये बोल रहे थे कि तुम परसों से कहाँ गए थे, इनको चिंता लगी थी हमारी, पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं और दादी जी हमारे लिए बना रही हैं गर्मा गर्म। तो दोस्तों हम गर्मा गर्म चाय को इन्जॉय करते हैं, तो लास्ट तक बने रहेगा मेरे साथ। और सो फाइनली दोस्तों हम कल्याण से निकल चुके हैं, यहाँ पे जो भी चाय पानी हुआ वो क्या एंजॉय, उसके बाद निकल चुके हैं सीधा करने के लिए। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। और सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कल्याण से नीचे निकल चुके हैं, और हमें वो नदी मिल चुकी है, देख सकते हैं कल्याणी नदी जो कि तरीदार के राइट साइड से निकलती है, देख सकते हैं ये है कल्याणी नदी। और इसके बाद जो न्यू लोकेशन पड़ेगी वो पड़ेगी दोखरी, जो कि मैं परसों ब्लॉग बना था, पर लेकिन मुझे वहाँ पे वहाँ का नाम पता नहीं था दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुल दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि किस टाइप का पुल है, अब थोड़ा सा बारिश भी हो चुकी है, हल्की बारिश भी हो रही है, पर दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ से, और यहाँ पर दोस्तों किस टाइप का पुल लगा रखा है, और काफ़ी पत्थरों वाला और लकड़ी वाला पुल है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे मेन नीचे से आ रही है नदी, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये नदी आ रही है कल्याणी नदी ऊपर से, यहाँ देख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बहाव है एक ही जगह पर, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्या ही बहाव है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बह सकता है। फिर हम यहाँ पर थोड़ा तपते हैं और देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तो पार कर लिया है, ये देख सकते हैं बूढ़ी जी भी घास में क्या की है, तो ये तो भी टप रहे हैं नदी को, देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं तो देख सकते हैं ये है भिलंगना माई, यानी कि जो खतिंग धाम से आ रही हैं साक्षात गंगा मैया, उनको नमन उनको प्रणाम। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नई लोकेशन, यहाँ का नाम है द्योखरी, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर जगह है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे आजकल लोग यहाँ ही रहते हैं, आजकल यहाँ के लोग गंगे चले गए हैं,
पर दोस्तों जैसे कि गर्मी का मौसम होता है तो वैसे कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा दोस्तों। और सो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 5:30 और दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं गंगी। थोड़ा और रह रखा है दोस्तों, कम से कम रह रखा होगा 500-600 मीटर समथिंग। तो यार थोड़ा बारिश भी हो चुकी है तो थोड़ा जल्दी चलते हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों मेरे साथ। और सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगी और अभी टाइम हो रहा है 5:45 यानी कि 6 बजने वाले हैं दोस्तों। तो यार थोड़ा हमने जैकेट जुकेट निकाल दिया, थोड़ा सा आग पे बैठ रखे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं दोस्तों पूजा वगैरह करते हैं। दोस्तों मुँह में पानी आ चुका है और सामने है हमारे खाने की थाली, देखते हैं आगे है नीरज भाई और राहुल। राहुल ने तो शुरू कर दिया भाई। और यहाँ पे हैं हमारे गुरुजी और यहाँ पे हमारी बड़ी जी। बड़ी जी ने हमारे लिए आलू का झोल, मतलब कि जो आलू को उबालना होता है फिर उनको थोड़ा सा मैश करना होता है, उसका साग बना रखा है और चावल बना रखे हैं दोस्तों। तो देखते हैं खानों की इंजॉय करते हैं। और सो दोस्तों फाइनली रात के बज चुके हैं 10 और यार काफ़ी नींद भी आ रही है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।